खाई है ना? वाह 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 वाह, मेरी अच्छी बहन, अचार के बजाय छह रोटियां खाऊंगा। संभाल अपनी दौलत, भाई साहब कमाई करके आए, कमाई। गंगा जमनी गंगा जमनी गंगा जमनी गंगा जमनी। बस सिर्फ 9 रुपए छियाने, और नहीं तो क्या, किसी की जेब काट लाता। चलो निकालो दादा के लिए घास के पैसे, जल्दी। ये ले एक। और मेरी खर्ची उसमें से बचेंगे ना? क्या बचेंगे इसमें से, सिर्फ 2 आने। तो तुम्हें ज्यादा क्या करने, दूध पीकर चले जाओ, खाना कर, खाना खा लेना। तुम मेरी बहन है ना, मेरी अच्छी बहन है ना। सरदार पद्मा, एक खोटा पैसा मत देना ऐसे, तेरी खुशामत करके पैसे ले जाएगा और फिर उसकी बीड़ी पिएगा। बीड़ी लीजिए, आप ही की कमी थी चौधरी महाराज। अरे मामा, मैंने तेरी कौन सी बहस मारी है जो मेरे पीछे पड़े रहते हो, कभी तो भाई बहन को आपस में बात करने दो। अच्छा तो अब हम पराए हो गए, सुन मेरा रत्नू के बच्चे, जो भी एक नया पैसा बचेगा वही काम आएगा। हाँ हाँ मामा, रत्नू को तो महल खड़ा करना है ना, महल। बेटा महल नहीं खड़ा करना है ना, सही पद्मा का डोला तो उठाना है। अरे मामी, तुझे कितनी बार समझाया है, पद्मा की शादी की बात मत किया करो, इसे अभी बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। मैट्रिक का इम्तिहान तो दे चुकी, मैट्रिक का इम्तिहान तो दे चुकी। अरे मामा, उसे तुम्हारी तरह सिपाही थोड़ी बनना है, जो मैट्रिक और बस। उसे तो अभी कॉलेज जाना है, एमए करना है, बीए भी करना है, और फिर गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इम्तिहान देकर जिले भर का सबसे बड़ा कलेक्टर बनना है। कलेक्टर से भी बड़े औहदे का लड़का नजर में हो तो रत्नू से बात करना। हाँ, शादी की बात करने चले। अबे ओ धन्ना से, घर में नहीं दादे और अम्मा चली बुलाने। हे मामा, मामा मैंने तुमसे कितनी बार कहा, इसके मुंह मत लगा। अरे मैं कहा इसके मुंह लग रहा हूँ तो कौन मुंह लगता है मामा? अरे तूने मुझे मामा कहा।